हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, जो वीडियो देख रहे हैं वो है बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड, इंडिया सुपर कंप्यूटर, नागपुर स्टेशन, बंगाल ऑयल। तो पता करते हैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। इनमें से एक तो अभी हमने किया है, नहीं ये बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन, ये वही बुलेट ट्रेन है क्या? नहीं, हो सकता जापान में कोई और हो। देखते हैं, चलो। मेरे को लगा हमने जो भी वीडियो देखी है उससे कनेक्टेड है, पर हो सकता है गलत हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से, जिस पर एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू हो गया है, ऐसा भी आप कह सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि L&T हमारी कंपनी दिवाली के बाद में इस प्रोजेक्ट के लिए काम शुरू करने वाली है, और इससे पहले कि L&T फिजिकली जमीन में कंस्ट्रक्शन करना शुरू करे, उसके पहले गवर्नमेंट का काम होता है कि वो सारी लैंडमार्किंग्स उस सामने वाली कंपनी को करके दे, ताकि जितनी एक्वायर्ड जमीन है सिर्फ उस पर सामने वाली कंपनी डेवलपमेंट कर पाए। तो यहाँ पे NHSRCL ने लैंडमार्किंग का काम आनंद में शुरू कर दिया। तो अब आप वीडियो में देख पा रहे हो कि पूरा रूट जो अलाइनमेंट आनंद के आसपास बुलेट ट्रेन का गुजरेगा वो किस तरीके से मार्क किया जा रहा है, जमीन यहाँ पर क्लियर करी जा रही है। और अभी आप डेफिनेटली कह सकते हो कि विद इन अ मंथ L&T यहाँ पर अपनी मशीन वगैरह के साथ में काम शुरू करेगा। आप ऐसा डायरेक्टली भी कह सकते हो कि जो ग्राउंड वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन का काम है बुलेट ट्रेन बनाने का, वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो हमारे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में आखिर इतने साल बाद एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू होता हुआ हमें नजर आ गया है। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे आर्मी से रिलेटेड, जिनके लिए हाई क्वालिटी हाउसिंग बनाई गई है लद्दाख में। तो दोस्तों, आप सब जानते हो कि इंडिया और चाइना के बीच में फिलहाल टेंशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण बाकी के कंपैरिजन में इस साल हजारों की संख्या में ज्यादा सोल्जर्स हमारे गवर्नमेंट में डिप्लॉय किए हैं इन बॉर्डर्स एरिया में, ताकि किसी भी तरीके के एस्केलेशन के टाइम, किसी भी तरीके के टेंशन अगर फ्यूचर में भी जनरेट होते हैं, तो सफिशिएंट नंबर ऑफ आर्मी पर्सनल वहां पर मौजूद रहे, इसका ध्यान इस साल रखा गया है। इसके लिए दोस्तों, जो घर बनाया गया है अभी आप वीडियो में देख सकते हो, स्पेसिफिकली हाई ऑल्टीट्यूड में कुछ कुछ जगहों पर -40°C तक टेम्परेचर जहां गिर सकता है, वैसे एरियाज में ये घर बनाया गया है। इनमें प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी, हर एक रूम में हीटर, गर्म पानी और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा, ये सारी चीजें हमारे जवानों को प्रोवाइड की गई है। साथ साथ यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स नेटवर्क भी सेटअप किया गया है, ताकि सर्दियों के दौरान यहाँ पर खाना, राशन, अम्युनेशन और मेडिकल सप्लाईज की कोई कमी हमारे डिफेंस फोर्सेस को ना हो। तो हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये है। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो आ रहे हमारे देश में बने हुए एक सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। तो दोस्तों, परम सिद्धि हमारे देश के नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन का एक भाग है, और ये कंप्यूटर जो हमारे देश में बनाया गया है, इसने पूरी दुनिया में 63rd रैंकिंग हासिल की है पूरी दुनिया के टॉप 500 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर्स में से। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे देश की सुपर कंप्यूटिंग इंडस्ट्री के लिए। कुछ ही देश पूरे दुनिया में है जो सुपर कंप्यूटर्स बना सकते हैं। इनफैक्ट हमारे देश का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो इंडिजिनियसली इसलिए डेवलप किया गया था, क्योंकि कई सारी कंट्रीज इंडिया को मना कर रही थी सुपर कंप्यूटर्स देने से, लेकिन उस टाइम भी हमारे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने ये पॉसिबल करके दिखाया। वैसे दोस्तों, एक चीज मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो रैंकिंग हमेशा सुपर कंप्यूटर्स की आती है, ये इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं होती है, क्योंकि हर सुपर कंप्यूटर को किसी स्पेसिफिक रीजन के कारण ही बनाया जाता है। कुछ सुपर कंप्यूटर स्पेसिफिकली AI के लिए डिजाइन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर सिर्फ वेदर फोरकास्ट को देखने के लिए डिजाइन होते हैं, कुछ सुपर कंप्यूटर्स कोई स्पेसिफिक रिसर्च के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जिस स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से हमारे देश के कुछ सुपर कंप्यूटर्स डिजाइन है, वो उनमें ज्यादा बेहतर रैंकिंग भी पा सकते हैं। बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जो आ रही है MORTH इंडिया से, जिन्होंने देश का पहला इंटरमोडल रेलवे स्टेशन का टेंडर फिर से कॉस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर दिया है। तो दोस्तों, नागपुर में हमारे देश का पहला इंटरमोडल रेलवे स्टेशन बनने वाला है। वैसे दिल्ली और कुछ और जगहों पर इस तरीके के स्टेशन फ्यूचर में बनेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्राइमरी स्टेज में है। ये जो स्टेशन है, इसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है प्रिलिमिनरी बेसिस पे, और 1493.59 करोड़ रुपीस से इसके नए टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं। तो अभी आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे कि ये ना सिर्फ एक रेलवे स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रांजिट हब, मल्टी मॉडल कॉरिडोर, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल स्पेसेस, ओपन स्पेसेस, पार्किंग लॉट्स, ऐसी कई सारी बहुत ज्यादा अच्छी लेवल की सुविधाएं प्रोवाइड की जाने वाली है। अगली दोस्तों, ऐसी एक सिमिलर खबर आ रही है चेन्नई मेट्रो से, जहाँ के विमको नगर स्टेशन में, जहाँ पर 20 फ्लोर्स की एक बिल्डिंग बनाई जाने वाली है मेट्रो के डेपो के ऊपर। तो दोस्तों, ये एक्चुअल वैसे देखा जाए तो बिल्डिंग 23 फ्लोर्स की होगी,
लेकिन अगर आप इस बिल्डिंग में डेपो जो स्टेशन लेवल है और एक लेवल पार्किंग और ऑटोमेटेड कार वॉश का अगर एलिमिनेट कर दे हो तो 20 रेसिडेंशियल फ्लोर्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। ये दोस्तों इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये जिस एरिया में बसा हुआ है वो तिरुवट्टी और बीच के बहुत ही ज्यादा नजदीक ये स्टेशन है, जिसके कारण यहाँ की लैंड वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। तो इसी लैंड वैल्यू की प्राइस को कॉम्पनसेट करने के लिए, एक रेवेन्यू का इनकम जनरेट करने के लिए चेन्नई मेट्रो ने यहाँ पर इस तरीके का एक मल्टी यूटिलिटी सेटअप डिजाइन किया है और आगे जाकर ये देश की पहली बिल्डिंग बनेगी जहाँ पर रेसिडेंशियल यूनिट्स के नीचे एक मेट्रो का डेपो मौजूद होगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला से, जिन्होंने नई जनरेशन के डबल डेकर कोचेस डिजाइन किए हैं जो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकते हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी हमारे देश में डबल डेकर ट्रेन वैसे भी दौड़ती थी लेकिन इनके कई लिमिटेशंस थे, स्पेशली इसमें स्पीड तो था ही, इसकी हाइट क्लियरेंस ज्यादा नहीं थी जिसके कारण कई सारे रूट्स पर ये चलाए नहीं जा सकते थे, लेकिन कुछ जरूरी मॉडिफिकेशंस करके थोड़ी सी हाइट इस कोच की कम की गई है, लेकिन मेजरली इस कोच को 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये दौड़ पाए प्रॉपरली एंड सेफली, इस हिसाब से डिजाइन किया गया है। अभी इसकी टेस्टिंग की जाएगी और सब कुछ होने के बाद में हमारे देश में जो कई सारे रेलवे ट्रैक्स मौजूद हो रहे हैं, स्पेशली दिल्ली मुंबई, दिल्ली कानपुर, दिल्ली हावड़ा, चेन्नई बैंगलोर, इन जैसे रूट्स पर ये ट्रेन हाई स्पीड में दौड़ने के लिए डिप्लॉय की जाएगी फ्यूचर में, ऐसा फिलहाल रेलवे का प्लान है। तो अभी आप तस्वीर में देख पा रहे हो किस तरीके से ये कोचेस बनाए गए हैं और फ्यूचर में ज्यादा नंबर में हमें डबल डेकर कोचेस कई सारे रूट्स पर दौड़ते हुए नजर आएगी, वो भी ज्यादा स्पीड के साथ में। अगली दोस्तों आ रही है खबर वेस्ट बंगाल से, जहां पर ONGC का अशोकनगर ब्लॉक जल्द ही अपना प्रोसेस शुरू कर देगा ऑयल एक्सट्रैक्शन के लिए। तो दोस्तों यहां पर पिछले कई सालों से ये काम जारी था और टोटल 1.56 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जगह में ये एक्सट्रैक्शन का काम किया जाएगा। तो दोस्तों बंगाल जो है हमारे देश के जो ऑयल एक्सट्रैक्शन का मैप है उसमें से कई सालों से नॉन एग्जिस्टेंट बन चुका था, लेकिन फिर से ये प्रोसेस शुरू होने के बाद में बंगाल हमारे देश के ऑयल प्रोडक्शन मैप पे फिर से आ जाएगा। अगली दोस्तों खबर आ रही है फिर से कोलकाता से, जहाँ के बारानगर मेट्रो स्टेशन की कुछ तस्वीरें बाहर आई है जो अभी फिलहाल आप सामने देख सकते हो, खुद मेट्रो ने ही ये पोस्ट की है और अभी आप देख पा रहे हो कि जो फाइनल टचअप के काम होते हैं उन्हीं पर फिलहाल काम किया जा रहा है और जल्द ही ये मेट्रो लाइन भी कोलकाता के लोगों के लिए ऑपरेशनल बन जाएगी। आखिरी दोस्तों खबर आ रही है रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी से, जिन्होंने बिड्स इनवाइट की है वसुंधरा लोको रेलवे कॉलोनी को रीडेवलप करने के लिए वाराणसी में। दोस्तों 2.5 एकड़ के अंदर ही पूरा रीडेवलपमेंट किया जाएगा, जिसके अंदर 1.5 हेक्टेयर जमीन कमर्शियल डेवलपमेंट के लिए ऑफर कर दी जाएगी और ये जो 1.5 हेक्टेयर जमीन कमर्शियल पर्पस के लिए ऑफर होगी ये सेल नहीं होगा लेकिन 24 करोड़ रुपए की एक लीज होगी जो अगले 45 साल के लिए बिड जीतने वाली कंपनी को दी जाएगी। साथ साथ रेलवे कॉलोनी के अगले 5 साल के मेंटेनेंस के लिए भी सेम कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा और यहाँ पर रेलवे कोशिश कर रहा है कि जो उनकी प्राइम रियल एस्टेट स्पॉट पर मौजूद जमीन है इसके जरिए वो कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाए। साथ साथ अभी जो लोको कॉलोनी यहाँ पर मौजूद है ये बहुत ज्यादा पुरानी हो चुकी है, घर वगैरह यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के नहीं है और यहाँ पर जो नई कॉलोनी बनेगी यहाँ पर अच्छे पैमाने पर पार्किंग स्पेसेस, लॉबीज, पैसेज, एलिवेटर्स, गार्डन्स और रिक्रिएशनल स्पेसेस के साथ साथ पूरी कॉलोनी बनाई जाएगी ताकि रेलवे एम्प्लॉयज की लाइफस्टाइल में भी इम्प्रूवमेंट नजर आए। तो जो लोको कॉलोनी वाराणसी में रहने वाले एम्प्लॉयज है इन्हें आने वाले 6 साल में ज्यादा बेटर क्वालिटी के घर सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अगली दोस्तों खबर आ रही है मुंबई में बन रहे मेट्रो लाइन 3 से रिलेटेड, पिछले 6 से 7 महीने में इस मेट्रो लाइन के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है और अभी एक और अपडेट इस मेट्रो लाइन के बारे में ऐसा है कि जो नए डेपो की साइट है वहां पर किसी तीसरे इंडिविजुअल ने भी क्लेम किया है कि वो जमीन उनकी है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले जो आरे कारशेड में बन रहा मेट्रो था उसके काम को रोकने के बाद में उसे कांजुरमार्ग शिफ्ट करने के लिए कहा गया था, इसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये नोटिस भेजी थी कि वो जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट को बिलोंग करती है इसके लिए वो काम बंद करे और अभी तीसरे एक इंडिविजुअल पर्सन ने MMRDA को नोटिस भेजी है कि जो 500 एकड़ की जमीन पर कांजुरमार्ग में काम जारी है उसमें से 102 एकड़ जमीन उनके नाम पर है और इसके लिए MMRDA डेपो का काम बंद करे। तो दोस्तों यहाँ पर अभी मेट्रो लाइन 3 जो मुंबई में बन रही है इसकी अड़चनें और ज्यादा बढ़ते जा रही है, एक तरफ इस मेट्रो का फिजिकल काम भी बहुत तेज से जारी है लेकिन दूसरी तरफ इस मेट्रो का एक इम्पोर्टेंट लिंक जो है वो कहीं पर भी प्रोग्रेस होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आगे जाकर इस मेट्रो लाइन का क्या होता है और मुंबई के लोगों को और कितने डिलेज का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स कमाल की सारी न्यूज थी और क्या धमाकेदार एक के बाद नई नई डेवलपमेंट्स और इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कर रहे हैं कि मजा आ गया और वो डबल डेकर जो ट्रेन है ना उसने तो दिल खुश कर दिया।
हमारे टाइम में डबल डेकर बस होती थी और हमें याद है बचपन में हमेशा पापा मम्मी के पीछे पड़ते थे कि हमें उसमें सैर करनी है, हमें ऊपर वाले में जाके बैठना है। अब अभी याद नहीं आ रहा कभी मौका मिला भी डबल डेकर, क्योंकि बहुत लिमिटेड होती थी मेरे ख्याल से और उसके बाद वैनिश ही हो गई। तो अब ये डबल डेकर ट्रेन है, अब हमारा टाइम तो मतलब कम हो गया। अब ऋषि और ऋषि के एज के जो बच्चे हैं वो हम बोलेंगे अपने पेरेंट्स को कि भाई हमने अब ऐसी ट्रेन में सैर करनी है, तो जल्दी से बने ताकि मौका मिले हम लोगों को भी इसका सैर करने का। पर डेफिनेटली बहुत अच्छा मतलब मजा आ गया देख के इतना कुछ, और बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा है कुछ सालों में ना इंडिया पूरा ऐसे लगेगा जैसे कोई फॉरेन कंट्री है। मैं उसी दिन की वेट कर रही हूँ। ब्यूटिफुल, तो काफ़ी अच्छा वीडियो था। मुझे लगता है कि मैं तो बैठा ही हूँ डबल डेकर ट्रेन्स में, बट मेरे ख्याल से ये लोग भी बैठे हुए हैं, वो तो याद नहीं। अगर इनको याद नहीं है तो मेरे ख्याल से जब हम पेरिस में गए थे तो मेरे ख्याल से हम डबल डेकर में बैठे थे बीच में कनेक्शंस के समय। अब दूसरी बात यह है कि जो बुलेट ट्रेन है वो मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो था कि जापान जो है वो उसमें पैसा लगा रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अब मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि L&T हो सकता है ग्राउंड वर्क करेगा, मतलब जगह क्लियर होगी और ट्रैक्स वगैरह L&T करेगा, मगर जो एक्चुअल ट्रेन है शायद वो जापनीज होगी। ट्रेन बुलेट ट्रेन इटसेल्फ जापनीज होगी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा L&T का होगा, ट्रैक्स होंगे, सिग्नल्स होंगे, पूरे जो भी और जो चीज़ें चाहिए होंगी मेरे ख्याल से L&T के। अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, कि पता चलेगा कि L&T बना रहा है क्या पूरी बुलेट ट्रेन, कि बुलेट ट्रेन एक्चुअली आएगी जापान से मगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है L&T कर रहा है। और दूसरा जो है बात करते हैं सब सुपर कंप्यूटर की, ये भी बहुत अच्छी बात है और इन्होंने सही कहा कि किसी काम के लिए सुपर कंप्यूटर्स बनते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास, US में यूनिवर्सिटी के बहुत पैसा होता है तो वो काफ़ी पैसा लगाते हैं सुपर कंप्यूटर्स के लिए, और दूसरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली कंपनीज भी करती है। मोस्टली गवर्नमेंट का ज़्यादा इसमें हाथ होता है कि गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है सुपर कंप्यूटर्स बनाने में। और आपने सुना होगा क्रे का नाम, क्रे सुपर कंप्यूटर बहुत पहले से USA के चले आ रहे, नंबर वन क्रे थे, मगर अब मेरे ख्याल से क्रे नंबर वन नहीं है, थर्ड है, फोर्थ है, मुझे नहीं पता, नीचे नंबर गिर गया। उसके बीच में आप देखेंगे कि मेरे ख्याल से चाइना के सुपर कंप्यूटर्स ऊपर आ गए हैं और USA के भी हैं बट मेरे ख्याल से चाइना के भी आ गए हैं। और ये बहुत अच्छा लगा कि इंडिया भी 63rd नंबर पे है, इसका मतलब जब शुरुआत हो चुकी है अब ऊपर चलता जाएगा, बट एटलीस्ट रैंकिंग में तो इंडिया आना शुरू हो गया, वो बहुत अच्छी बात थी। और ऑफकोर्स इसमें गवर्नमेंट का फंडिंग लगेगी, गवर्नमेंट की बहुत कॉस्टली होते हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग लगती है। और परम जो सीरीज इसकी बात करते हैं उसका नाम पहले भी आया था, तो मेरे ख्याल से वो ज़बरदस्त कम्पीट करेगा और आगे बढ़ेगा। और जो नागपुर स्टेशन की बातें कह रहे हैं, अब बहुत अच्छी बात है कि नागपुर में शुरू होगा, उसके बाद दिल्ली बॉम्बे में होगा। जो US में जितने भी स्टेशन हैं वो इसी टाइप के हैं, नागपुर के ही हैं, कि आपको रेजिडेंशियल एरिया भी वहाँ पे हैं, कमर्शियल एरिया भी है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पे हब भी है, बसेस का हब भी है, कार्स भी पार्किंग कर सकते हो आप, आसपास लोगों ने अम्यूजमेंट पार्क भी बना रखे हैं, मतलब हज़ार चीज़ें वहाँ पे की हुई हैं उस हब में। सिर्फ ट्रेन का जब भी हब है, जैसे आप देखते हैं कोई भी ट्रेन का स्टेशन, मतलब मोस्टली यहाँ पे ट्रेन तो है मोस्टली, मतलब आप कहेंगे कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, नॉर्मली लोग ट्रेन का यूज़ नहीं करते। मैं बात कर रहा हूँ लंबी दूर की ट्रेन में जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाती हैं, कम है, एमट्रैक है बहुत कम है, मोस्टली एयरप्लेन्स हैं। सो एयरप्लेन के जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको नजर आएंगी, उसके आसपास रेजिडेंशियल प्ले वो। और जहाँ पे लोकल ट्रेन्स हैं वहाँ पे जो इन्होंने आइडिया दिखाया था कि ऊपर एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और फिर वहाँ पे बिजनेस बिल्डिंग होगी और नीचे मेट्रो होगा, ये बहुत कॉमन है US में। और वो बेचते ही जो है घर इस तरीके से बेचते हैं कि ये इतने सारे हमने घर बना लिए, साथ में ट्रेन स्टेशन है। तो उनका आइडिया ये होता है कि जो बंदा डाउनटाउन में काम करता है वो यहाँ रह सकता है अच्छे, मतलब इतने महंगे दाम डाउनटाउन देने के बदले यहाँ देगा, सिर्फ उसे 15-20 मिनट या आधे घंटे की दूरी ट्रैवल करनी पड़ेगी ट्रेन में, और जब ट्रेन से उतरेगा सीधा चल के अपने घर पर जाएगा, मतलब कनेक्टेड है वो घर से ही। तो घर से उतरा, नीचे ट्रेन में बैठा, पहुंचा, तो वो जो है उन अपार्टमेंट्स की या उन घरों की कीमतें काफ़ी बढ़ जाती है कंपेयर टू आसपास जो है, मगर डाउनटाउन से फिर भी लोअर होती है। तो लोग कहते हैं चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, 30 मिनट से पहुंच जाऊंगा डाउनटाउन में, कोई पंगा नहीं है, ट्रेन में आराम से बैठना है। और ये सब बातें अच्छी होती है, सिर्फ ये होता है कि अगर कभी ट्रेन डाउन हो जाए तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है कि आप कैसे जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी और काफ़ी अच्छा लगा कि ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर की इतने चेंजेस हो रहे हैं और इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो वेरी नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।
Till then, take care and bye-bye. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।